बहुत ही तगड़ी वाली बाइक खरीद के लाया हूँ मैं गाइस। देख सकते हो यार तुम लोग लिटरली में क्या मस्त बाइक है। ये है एक ऑफ रोडिंग बाइक और मैं इसको ले जा रहा हूँ गाइस ऑफ रोडिंग करने के लिए पहाड़ों की तरफ। भाई नई बाइक खरीदे मैंने आज ही साइमन के शोरूम से और ये बाइक मुझे पड़ी है गाइस 10 लाख की। अब 10 लाख में मैं भाई अच्छी खासी एक हायाबूसा भी खरीद सकता था, मतलब उतनी बढ़िया भी नहीं लेकिन हाँ सेकेंड हैंड हायाबूसा तो आ ही जाती। बट मैंने ये ऑफ रोडिंग बाइक खरीदी है क्योंकि बहुत ही खास रीज़न है उसका। उसका खास रीज़न ये है कि भाई ये बाइक लिटरली में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। इसके शॉकर जो है बहुत ही एपिक है और साथ में गाइस ब्रेकिंग, इसकी ब्रेकिंग तो भाई क्या ही बताऊँ मैं। ये देखो जैसे फुल स्पीड में भगा रहा हूँ मैं ब्रेक लगाऊंगा, ये देखो कितनी जल्दी ये बाइक रुक जाती है। और साथ में एग्जॉस्ट, भाई एग्जॉस्ट देखो तुम लोग पीछे क्या मस्त निकल रहा है, मज़ा आ रहा है यार इस वाली बाइक को चलाने में। तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ यार इस वक्त अभी माउंटेन्स की तरफ। ऑफ रोडिंग बाइक है तो ऑफ रोडिंग ही करेंगे यार। ओके लेट्स गो। स्पीड देखो भाई 234-250 की स्पीड में सिटी के अंदर चला रहा हूँ। भाई साहब कितनी ज्यादा जल्दी यार 200 की स्पीड पर पहुंच जाती है ये। लेट्स गो। तो आ चुके हैं गाइस हम लोग पहाड़ों की तरफ, अभी फटाफट से पहाड़ों के ऊपर चलते हैं और मस्त ऑफ रोडिंग करते हैं इस वाली बाइक से। लेट्स गो। वो क्या है यार सामने की तरफ, आई डोंट नो कुछ तो लग रहा भाई, बड़े बड़े पैर हैं। कल तुम लोगों को याद होगा यार मुझे लावा गॉड मिला था और मैंने उसकी हेल्प करी थी गाइस, और अब जो लावा गॉड है वो मेरा अच्छा वाला दोस्त है। उसके मैंने एक्चुअली में जान बचाई थी, वो पानी के अंदर डूब रहा था और मैंने उसकी जान बचाई थी और वो मेरा अभी दोस्त बन चुका है। तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लेना गाइस। बट आज फिर लावा गॉड, तो भाई कल मैंने उसकी जान बचा दी थी, आज फिर कौन है ये। जरा चलते हैं यार, मैं आया तो था ऑफ रोडिंग करने के लिए बट यहाँ पर लगता है फिर किसी की आज मदद करनी पड़ेगी। लेट्स गो। लेट्स सी गाइस आखिर है कौन ये। फटाफट से अपनी ऑफ रोडिंग बाइक को लेकर चलते हैं इस पहाड़ के ऊपर। ओके और देखते हैं कौन है ये। ओ भाई यार कैसा, ओ वाइट एंड ब्लैक, क्या हो रहा है भाई से, ये मुझे क्यों लग रही है कोई अलग ही है भाई, ये कोई अलग ही है, ना ही ये लावा गॉड है ना ही आइस गॉड है, तो कोई अलग ही लग रहा है भाई मुझे सच में ही। थोड़ी और आगे चलते हैं गाइस। ओ वेट ये रहा इसका सिर, भाई कितना बड़ा है यार ये भी साइज में। साइज में तो सॉरी गॉड्स बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। इसकी चेस्ट है शायद से, तुम लोग देखो भाई तुम लोगों को इसको मैं फेस दिखाता हूँ एक बार। हम फटाफट से सामने की तरफ चलते हैं। ये देखो ये जो है गाइस ये है इसका फेस, ये जो अपना पता नहीं कौन सा गॉड है ये इसका फेस है और चेहरा ही कितना ज़्यादा बड़ा है। और जिसकी बॉडी है वो कहाँ पर ख़त्म होती है मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक सेकेंड। अबे कहाँ अटक गया। ओके ओके ये देखो भाई ये इसकी चेस्ट है, इसकी बॉडी ख़त्म होती है ये दूर लंबा चौड़ा ट्रैवल करने के बाद। वो रहा उसका पैर, देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा ह्यूज है ये। भाई सब कैसा अजीब सा पैर है, पता नहीं गाइस ये कौन सा गॉड है। मे भी शायद से ये नो गॉड हो सकता है या फिर कोई और गॉड हो सकता है, शायद ज़मीन के अंदर घुसा पड़ा है इसलिए ऐसे कलर वलर चेंज हो रहा हो। आई डोंट नो भाई कलर क्यों चेंज हो रहा है इसका बार बार, बट डेफिनेटली मैं इतना तो कह सकता हूँ भाई ये कोई अलग ही गॉड है, अलग ही लेवल का। पता नहीं भाई जो भी हो, ज़रा पेपर वेपर ढूंढते हैं, पक्का इसकी जान बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो लिखा ही होगा। पेपर वेपर कहाँ पड़ा हो सकता है, एक सेकेंड पैरों के पास ज़रा चेक कर दे, उसके बाद सिर की तरफ देखेंगे। यहाँ पर तो कोई पेपर नहीं है। लेट्स गो। नहीं है भाई इधर तो कोई पेपर नहीं है। थोड़ी आगे चलते हैं दूसरे वाले पैर की तरफ। ओके इधर चेक करते हैं। लेट्स गो। ओ वेट है यहाँ पर एक पेपर पड़ा हुआ है। यस गाइस नीचे की तरफ अगर तुम लोग देखोगे भाई यहाँ पर एक पेपर पड़ा हुआ है। जरा जल्दी से इस पेपर को उठाते हैं गाइस और रीड करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो गाइस इस पेपर के अंदर लिखा हुआ है, टू सेव माय लाइफ ब्रिंग बैक ग्रीन मैजिकल प्लांट फ्रॉम कैयो पेरिको। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी अगर जान बचानी है हम लोगों को तो हमें ग्रीन मैजिकल प्लांट को लाना होगा कैयो पेरिको से। कैयो पेरिको, अच्छा कैयो पेरिको आइलैंड। ग्रीन मैजिकल प्लांट और उसको लाके करना क्या है, इसके सर पे रख दूं? पता नहीं भाई ये तो नहीं लिखा है कुछ भी, बाकी नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो गाइस अभी तक तुम लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर करो यार, अगर हमें इस वाले गॉड की जान बचानी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब की भी जरूरत है और साथ में ग्रीन मैजिकल प्लांट की भी। बाकी ग्रीन मैजिकल प्लांट तो पता चल चुका है कैयो पेरिको में मिलेगा, वो तो मैं ले आऊंगा, बस तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो फटाफट। जल्दी से चलते हैं यार यहाँ से निकलते हैं कैयो पेरिको। लेट्स गो लेट्स गो। यहाँ से बाइक लेकर निकलना होगा हम लोगों को, फटाफट निकलते हैं गाइस फटाफट। ओके ओके आराम से। अबे कहाँ है यार, ये सही है यार मेरी ऑफ रोडिंग बाइक है मेरे पास, वरना इधर आता ही नहीं और ना मैं कभी इसकी हेल्प कर पाता। तो अभी कैयो पेरिको निकलना है और कैयो पेरिको मैं जाने की सोच रहा हूँ गाइस।
प्लेन से ऑब्वियसली प्लेन से ही जाऊँगा, हेलीकॉप्टर से तो जाऊँगा नहीं, लेकिन मेरे पास प्लेन है नहीं। तो एयरपोर्ट से पहले तो प्लेन चुराना पड़ेगा, उस प्लेन को चुरा कर कैयोपियर को जाना पड़ेगा, वहाँ से ग्रीन मैजिकल प्लांट लाना पड़ेगा और फिर उस ग्रीन मैजिकल प्लांट से इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, जिस भी प्लेन से मैं जाऊँगा कैयोपियर को उसमें ही वाली बाइक रख लूँगा। पता नहीं कैयोपियर को मैं कोई बाइक या गाड़ी वाड़ी मिले या ना मिले, इसलिए बाइक रख लूँगा। और फिर वहाँ पर ग्रीन मैजिकल प्लांट ढूंढना भी तो पड़ेगा यार, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत है यार, जल्दी से चलते हैं अभी तो सबसे पहले एयरपोर्ट। ओके गाइस, तो एयरपोर्ट में जा रहा हूँ पीछे वाले रास्ते से और काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ अभी तो फिलहाल मैं। आगे से एक लेफ्ट कट लेना पड़ेगा और फिर शायद मे बी फिर से एक और लेफ्ट कट और उसके बाद फिर एयरपोर्ट का रास्ता मिल जाएगा। भाई एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए ना भाई हज़ारों रास्ते हैं, हज़ारों लिटरली, मैं तुम लोग किसी भी डायरेक्शन से आओ एयरपोर्ट के अंदर इजीली पहुंच जाओगे। बहुत ही बढ़िया जगह पर है अपना एयरपोर्ट लॉस सैंटोस का। चलो पहुँचने वाला हूँ मैं यहाँ से, एक सेकेंड रास्ता भटक गया मैं फिर से यार, इतने रास्ते ही हैं एयरपोर्ट जाने के, रास्ता ही भटक जाता है आदमी। ओके लेट्स गो। अब ये कहाँ गया मैं? ओके हाँ ये रहा रास्ता, तो सामने की तरफ हम लोगों को बस ट्रैवल करना है और एयरपोर्ट में पहुंच जाऊंगा। देखते हैं वहां पर हमें प्राइवेट जेट मिलता है या फिर कोई हेलीकॉप्टर से भी काम बन जाएगा यार, किसी का हेलीकॉप्टर वगैरह होगा तो देखते हैं अभी तो कौन सा व्हीकल हम लोगों को मिलता है। खोल दो भाई गाड़ी खोल लो। ओके आ चुका हूँ मैं अंदर और ओ वेट पैसेंजर प्लेन, पैसेंजर प्लेन कौन लेकर जाता है? ओ नाइस प्राइवेट प्लेन, लेट्स गो। इससे आई थिंक अपना काम बन जाएगा, हाँ हाँ इससे तो काम बन जाएगा, आराम से काम बन जाएगा। फटाफट से इसके गेट को ओपन करते हैं और लेकिन बाइक, बाइक वहाँ मिलेगी? अरे रुक जा भाई रुक जा, बाइक रख लूँ मैं पहले, मैं बाइक तो लेकर जाऊँगा भाई, मुझे नहीं पता, मैं बाइक तो ज़रूर लेकर जाऊँगा भाई। उधर कोई व्हीकल मिला नहीं मिला क्या पता, इसलिए बाइक तो रखना ही है। प्राइवेट जेट के अंदर पहली बार कोई बंदा बाइक रख के जा रहा है, लेट्स गो। वो प्लेन का जो ओनर था भाई वो अपना प्लेन ले गया, प्राइवेट प्लेन, मैं उसकी प्लेन के अंदर बाइक चढ़ा रहा था, वो तभी आ गया, कह रहा भाई कौन हो तुम, फिर मैं हट गया यार वहाँ से। बट कोई और अपना नया प्राइवेट प्लेन लेकर आया और मैं इस वाले प्लेन के अंदर इस बाइक को लेकर जाऊँगा, इसके ओनर्स के आने से पहले ही मैं लेकर चला जाता हूँ। वो देखो पीछे एक और प्राइवेट जेट लेकर आ रहा है। अब बाइक को छोड़ो यार, बाइक का इंतजाम हो जाएगा वहाँ कैयो पेरिको में, अभी तो फिलहाल प्लेन को लेकर उड़ते हैं यहाँ से, लेट्स गो। अरे प्राइवेट जेट भाई क्या हो गया तुझे? अरे आराम से यार, आराम से भाई, किधर जा रहा है ये भाई, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है ये? हाँ ठीक है, तो जल्दी से गाइस इस प्राइवेट जेट को लेकर निकलते हैं सीधे कैयो पेरिको आइलैंड में, लेट्स गो। सामने है कैयो पेरिको आइलैंड का रनवे और बिल्कुल प्यार से जेंटली लैंड करते हैं इसे। ओके बहुत ही ज़्यादा क्रेजी, नाइस नाइस, क्या बात है, क्या प्यारी लैंडिंग करी और मैंने, और लो भाई लैंडिंग के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक गाड़ी भी मिल चुकी है। उधर की साइड देखो भाई, गाड़ी का इंतजाम हो गया, लेट्स गो। सही है यार मैं बाइक नहीं लेकर आया, मस्त तो गाड़ी मिल गई यहाँ पर, और क्या ही चाहिए। अभी हम लोगों को यहाँ से लेना है गाइस ग्रीन मैजिकल प्लांट, तो फटाफट से चलता है भाई। कैसी गाड़ी है ये, कितनी जमीन से चिपकी हुई है ये गाड़ी भाई साहब, इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो बिल्कुल ही अलग है। चलो जल्दी से अभी ग्रीन मैजिकल प्लांट ढूंढते हैं। देखो भाई मेरे को तो पता नहीं है ग्रीन मैजिकल प्लांट दिखने में होता कैसा है, तो सबसे पहले मुझे एक बंदा ढूंढना पड़ेगा, जिस बंदे से मैं ये पूछूंगा भाई ग्रीन मैजिकल प्लांट जरा ढूंढ के दे दे तू मुझे। इधर बंदा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कोई भी नजर नहीं आ रहा है यार। हेलो भाई इधर कोई है क्या? हेलो, ओ वेट है, वो है एक बंदा। ये किसको चीयर कर रहा है भाई, कौन है उधर? पता नहीं भाई किससे बातें कर रहा है। हेलो भाई एक बात पूछनी थी भाई तुमसे। हेलो, अरे कुछ तो बोल भाई। अरे क्या है यार, इधर ग्रीन मैजिकल प्लांट कहाँ मिलेगा? तुम्हें किसने बताया यहाँ पर ग्रीन मैजिकल प्लांट मिलेगा? अरे भाई वो बस पता चल गया, तू बता ना भाई कहाँ है ग्रीन मैजिकल प्लांट। ग्रीन मैजिकल प्लांट आम तौर पर तो समुद्र के किनारे उगता है। समुद्र के किनारे मतलब? अरे मतलब समुद्र के किनारे। अच्छा अच्छा, तो जरा बता भाई ढूंढने में मदद करेगा? अरे ढूंढ ले यार मिल जाएगा इधर। ठीक है चलो गाइस ढूंढते हैं, क्या तो रहा है समुद्र के किनारे मिलेगा ग्रीन मैजिकल प्लांट। समुद्र के किनारे तो मुझे कोई प्लांट ही नहीं दिख रहा। नहीं भाई, ओ शायद उन लोगों को चीयर कर रहा है भाई, वहाँ पर कोई बोट रेस चल रही है। अब क्या क्या होता रहता है कैयो पेरिको में, गिनती के चार बंदे ही हैं और उतने में भी ये लोग बोट रेस करते रहते हैं। वेट यहाँ पर एक प्लांट उगा हुआ है पीछे, अरे ये तो पर्पल है यार, ग्रीन का है। ओके भाई लिटरली में इतनी खतरनाक बोट रेस होती है यहाँ पर, आपस में बोटें टकरा रही हैं भाई, क्या हो रहा है ये? पता नहीं, ग्रीन मैजिकल प्लांट नहीं दिख रहा यार मुझे। अरे भाई बता दे कहाँ है यार, क्या ही तू बिल्कुल ही भाव खा रहा है। हेलो बता दे भाई, अरे भाई हेल्प कर दे यार, पैसे ले लियो।
अरे यार बिल्कुल ही अंधे हो क्या तुम्हें दिखाने ग्रीन मैजिकल प्लांट, तू मेरे संग चल। चलो अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं। आ बता कहाँ है इधर, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ अंधा बता रहा है मेरे को कहाँ है इधर ग्रीन मैजिकल प्लांट, कब से ढूंढते ढूंढते दिमाग खराब हो गया, मुझे तो नहीं मिला। अरे यार वो तो बहुत ही आम प्लांट है यार, इधर ही मिल जाता है। तो तू बता ना भाई, आ जल्दी दौड़ के, एक तो इतना स्लो है बिल्कुल ही, जल्दी आ, कहाँ है इधर ग्रीन मैजिकल प्लांट बता। रुको रुको अभी ढूंढने दो मुझे, कहाँ है बता फटाफट। रुको रुको जल्दी बता। अरे ये तो रहा, कहाँ पर? अरे उधर नहीं इधर। ये तो पर्पल है। हाँ तो यही तो है ग्रीन मैजिकल प्लांट। अबे लेकिन ये तो पर्पल है भाई। वो पर्पल कलर है लेकिन इसका नाम ग्रीन मैजिकल प्लांट है। व्हाट, पर्पल प्लांट का नाम ग्रीन मैजिकल प्लांट कौन रखता है, पागल तो नहीं बना रहा भाई तू मेरा? मैं बहुत दूर से आया हूँ, पागल मत बना मेरा। अरे सच में यही है यार, ग्रीन मैजिकल प्लांट ही कहते हैं इसे। थैंक यू भाई थैंक यू, लेट्स गो, मिल गया गाइस। तो इस ग्रीन मैजिकल प्लांट को गाइस मैंने अपनी गाड़ी पर रख दिया है और अभी फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलता हूँ मैं अपने प्राइवेट जेट की तरफ। वैसे अपना नहीं है वो, चोरी का है, जैसा भी प्राइवेट जेट है फटाफट से चलते हैं उसकी तरफ। अब इस ग्रीन मैजिकल प्लांट को लेकर वैसे करना क्या है यार, वो जो वहाँ पर लेटा पड़ा है पता नहीं लावा गॉड आइस गॉड जो भी, नहीं लावा गॉड तो नहीं होगा, पता नहीं कौन सा गॉड है, उसका करना क्या है, ले जाते हैं पता चल जाएगा अपने आप ही। तो इस प्लेन के विंग पे मैंने ये प्लांट रख दिया, आई डोंट नो मैंने ये क्यों किया है, उड़ेगा तो नहीं, मैंने मस्त चिपका विपका दिया है उसे। अभी फटाफट से इस प्राइवेट जेट को लेकर निकलना होगा हमें, लेट्स गो, टेक ऑफ करता हूँ मैं जल्दी से गाइज और फिर लॉस एंड ऑफ लेकर निकल लेंगे। तो स्पीड, वैसे अभी तक तुम लोगों ने गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अभी चलते हैं फटाफट लॉस सेंटोस की तरफ, लेट्स गो। आ गया आ गया आ गया, बस यहाँ पर भी एक प्यारी सी लैंडिंग हो जाए मज़ा आ जाएगा, लेट्स गो लेट्स गो। सामने से उधर एक और प्लेन लैंड हो रहा है, वो पैसेंजर प्लेन है, और यहाँ पर मैं प्राइवेट प्लेन लेकर आ चुका हूँ। मेरी बाइक कहाँ थी, मेरी बाइक इधर थी, एक सेकेंड शायद इधर ही कहीं तो, ओह ये रही मेरी बाइक। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उतरो उतरो फटाफट उतरो, लेट्स गो बाइक के अंदर बैठते हैं जल्दी, और अभी फटाफट से उस प्लांट को रख लेते हैं। जरा इस बाइक पर कहाँ है वो, इस वाली विंग पे था, हाँ ये रहा, लेट्स गो गाइस। अभी फटाफट से निकलते हैं हम लोग उस वाले गॉड की तरफ, उसको वापस से ठीक करने के लिए। ठीक तो मैं कर दूंगा यार भाई, कल लावा गॉड की भी जान बचा ली, इसकी भी जान तो बचा कर ही रहेंगे। बाकी ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता वो है कौन सा गॉड, शायद उसे ठीक कर दे तब शायद पता चल जाए, लेट्स गो। ओके आ गया बस बस बस, बाइक क्या बात है भाई, बाइक ने बहुत साथ दिया है मेरा, साथ में उस प्राइवेट जेट ने भी, काफी अच्छा उड़ाता वो। ओके आ गया मैं इसे लेकर, अब इसे करना क्या है ये समझ नहीं आ रहा भाई, यही चीज मेरे को समझ नहीं आ रही। आखिर में इस ग्रीन मैजिकल प्लांट को जो कि देखने में पर्पल है, इसको मैं लेकर तो आ गया बट इसका करना क्या है, व्हाट टू डू भाई। चलो लेकर चलते हैं इस प्लांट को, कुछ ना कुछ तो तरीका पता ही चल जाएगा। एक काम करता हूँ ना मैं, इसके मुंह के अंदर रख के आ जाता हूँ इसे, मे बी शायद उससे ठीक हो जाए, हो सकता है, होप सो, लेट्स गो। या फिर इसके सिर पे रख दूँ भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं माउथ के अंदर लेकर जा रहा हूँ गाइज इस प्लांट को। इस प्लांट को गाइज मैं माउथ के अंदर रख के तो आ गया, अभी देखते हैं क्या सीन होता है, ठीक होता है या फिर नहीं, ये ठीक तो हो जाना चाहिए, पेपर में तो यही सब लिखा था, देखते हैं क्या होता है। ओके गाइज एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है भाई, ये जो अपना गॉड था जिसके बारे में हमें पता नहीं था ये कौन है, ये भाई ग्रीन गॉड निकला यार, ये ग्रीन गॉड है, नेचर गॉड भाई, और शायद इसीलिए इसे ग्रीन प्लांट की जरूरत थी। देख सकते हो गाइज पूरा का पूरा भी ये ठीक हो चुका है। हेलो भाई ग्रीन गॉड, कैसे हालचाल, कैसा महसूस हो रहा है ठीक होने के बाद? पता नहीं गाइज इसे कैसा ही महसूस हो रहा होगा भाई, खुशी मिल रही होगी और क्या ही होगा। फिलहाल तो तुम लोग आज की वाली वीडियो बढ़िया लगे तो फटाफट से जाओ गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।